नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे हर्पीस के बारे में। ये एक संक्रामक बीमारी है और इससे कैसे बचें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, आपके कानों के अंदर वैक्स क्यों जमा हो जाता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, पके हुए खाने के ऊपर नमक क्यों नहीं छिड़कना चाहिए। हमें सेहत पर मेल आया एक व्यूअर का, 35 साल के हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। वो नहीं चाहते थे कि हम शो पर उनका नाम बताएं, उनकी पहचान को गुप्त रखा जाए। खैर, हमारे व्यूअर को हर्पीस हुआ था। वैसे तो हर्पीस दो तरह का होता है, ओरल हर्पीस और जेनाइटल हर्पीस। इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। हमारे व्यूअर को ओरल हर्पीस हुआ था, मुंह और होठों के आसपास छाले से हो गए थे, बुखार आ गया था। हर्पीस एक वायरल संक्रामक इन्फेक्शन है और ये काफी आम वायरस है। WHO के मुताबिक ओरल हर्पीस दुनिया भर में 67% लोगों को होता है और वहीं जेनाइटल हर्पीस 11% लोगों को। जेनाइटल हर्पीस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने से होता है। इसलिए इनके बारे में ना तो लोग खुलकर बात करते हैं और ना ही इलाज खुलकर ले पाते हैं। हमारे व्यूअर चाहते हैं कि हम हर्पीस पर एक एपिसोड बनाएं ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन्हें मदद मिले। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हर्पीस क्या होता है और क्यों होता है। हर्पीस वायरस का जो इन्फेक्शन लोगों में होता है वो मुख्य तौर पर, जैसे कि आपका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है, उसमें दो वैरायटी होती है, टाइप 1 और टाइप 2। यह वायरस मुख्य तौर पर क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है। टाइप 1 का इन्फेक्शन क्लोज कॉन्टैक्ट, फेशियल क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, और जो टाइप 2 जेनाइटल इन्फेक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें, तो जेनाइटल क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू वह इन्फेक्शन एक से दूसरे मरीज को होता है। हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन है वो आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनको पहले चिकन पॉक्स हो चुका होता है और वह वायरस उनमें डोरमेंट स्टेज में नर्व एंडिंग्स में रहता है। तो जब पेशेंट्स का इम्यून स्टेटस कम हो जाता है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है, तो वह वायरस दोबारा से डोरमेंट स्टेज से एक्टिव होकर उस पार्टिकुलर नर्व के एरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस के जो इन्फेक्शन है जिसमें सबसे मुख्य तौर पर पेशेंट्स को स्किन रैशेस होते हैं, वह स्किन रैशेस में पेशेंट्स को वेसाइकल निकलती है, उसके चारों तरफ रेडनेस बनी रहती है, पेशेंट को बहुत इचिंग होती है, उसके अगर सराउंडिंग एरिया में लिम्फ नोड्स है तो उनमें स्वेलिंग हो सकती है। साथ में ही पेशेंट्स को जो हर्पीस जोस्टर है उसमें पेन काफ़ी सीवियर होता है पेशेंट्स को, और हर्पीस जोस्टर वाला जो रैशेज है उसमें मिड लाइन को वो क्रॉस नहीं करता है। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, राइट साइड का राइट साइड ही रहेगा, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है कभी भी। साथ में जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का जो इन्फेक्शन है उसमें आपको रैशेज मुख्य तौर पर जो होंगे वो आपको लिप्स के अराउंड ज़्यादा कर दिखेगा या फिर जेनाइटल एरिया में दिखेगा, और कुछ केसेस में अल्सर भी बन जाते हैं जेनाइटल एरिया में। इसके साथ फीवर आ सकता है, बदन दर्द हो सकता है, वीकनेस आती है पेशेंट को काफ़ी। उसके अलावा अगर हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। साथ में कुछ केसेस में, जो कि काफ़ी रेयर है, पेशेंट्स को ये देखा गया है कि इंसेफ्लाइटिस भी हो जाता है, वायरल इंसेफ्लाइटिस हर्पीस सिंप्लेक्स की वजह से, जिससे पेशेंट्स की कंडीशन काफ़ी बिगड़ सकती है। हर्पीस इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। तो आप पहला ध्यान तो ये रखें, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, जहाँ हाइजीन कम रहता है वहाँ पर भी इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। और अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं या कोई जो आदमी अच्छा हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट ना बनाए, और अपने बच्चों को भी उससे दूर रखें। इसके अलावा जो हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन है वह इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए अभी वैक्सीन भी उपलब्ध है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं जिन लोगों को चांसेस है कि इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ओल्ड लोग हैं और बच्चे हैं उन लोगों में ये, इनके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं जिससे कि यह इन्फेक्शन या तो बहुत माइल्ड फॉर्म में होगा या तो होगा ही नहीं।
अगर आपको लगता है कि आपको हर्पीज इन्फेक्शन हुआ है तो मेरी यह सलाह है कि आप पहले डॉक्टर को जाकर दिखाएं। डॉक्टर को उस इन्फेक्शन को देखने के बाद वो किस तरह का इन्फेक्शन है, किस टाइप का हर्पीज इन्फेक्शन है, वो दवाई देता है। उसमें पेशेंट्स को अक्सर एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि असाइक्लोविर और दूसरी एंटीवायरल ड्रग्स भी दी जा सकती हैं। साथ में पेशेंट को अगर फीवर है तो फीवर की मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, पेन है तो पेन के लिए मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। और इसमें एंटीवायरल जो मेडिसिन है खाने की भी आती है, और उसके अलावा उस ऑइंटमेंट्स भी आते हैं। जब हर्पीस जोस्टर जो इन्फेक्शन होता है जिसमें पेशेंट्स को काफ़ी सीवियर पेन होता है, और उसके लिए लगाने के लिए एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट्स जैसे लिग्नोकेन ऑइंटमेंट्स भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा उसमें जब देखा गया है कि हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन ठीक हो जाता है पेशेंट्स का, और उसके बाद उसको वहाँ पर बहुत सीवियर पेन होने लगता है उस नर्व एरिया में जहाँ पर वो नर्व सप्लाई करती है, बहुत सीवियर न्यूरालजिक पेन होता है, तो उस पेन के लिए भी कई बारी प्री गाबालिन गाबा पेंटिन तरह की या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिंस हैं, कुछ इस तरह की मेडिसिंस दी जाती हैं जो उस तरह के पेन को कंट्रोल करें। और इसमें आप जितना तुरंत इलाज लेंगे उतना जल्दी आप ठीक भी होंगे, और उसके बाद उतनी ही कम कॉम्प्लिकेशंस आपको होगी, क्योंकि देखा गया है खासकर जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है उसमें कई बारी पेशेंट्स को सीवियर इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं अगर पेशेंट बहुत इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, या कई बारी बच्चों में देखा गया है इंसेफलाइटिस पेशेंट्स को हो सकता है, और साथ में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकता है, उसके लिए भी कई बारी पेशेंट्स को दवाई दी जाती है या हॉस्पिटल में एडमिशन भी कराना पड़ सकता है। डॉक्टर ने हर्पीस के जो लक्षण बताए हैं उन पर जरूर नजर रखिएगा ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हम में से बहुत लोग बैठे बैठे कान में कभी उंगली, कभी टूथपिक, कभी क्यूटिप, ये सब डाल के खुजलाने लगते हैं। अव्वल तो प्लीज कोई भी चीज़, कोई भी नुकीली चीज़ कान के अंदर ऐसे हरगिज ना डालें। ज़्यादातर लोग कान से वैक्स निकालने के लिए ऐसा करते हैं, पर कान में ये वैक्स आता कहाँ से है? अब अंदर कोई मोमबत्ती तो जलती नहीं है। फिर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एयर वैक्स को मेडिकल भाषा में कहते हैं सेरुमन। हाँ, ये देखने में वैक्स जैसा लगता है इसलिए इसका नाम एयर वैक्स पड़ गया है, पर यह वैक्स होता नहीं है। ये बना होता है सीबम, स्किन के सेल्स, पसीना और गंदगी से। अब ये सीबम क्या है? आपकी स्किन एक तेलनुमा चीज बनाती है, इसमें फैट भी होता है। खैर, ये ईयर वैक्स आपका कान बनाता है खुद को प्रोटेक्ट और साफ करने के लिए। आपके कानों में एक ग्रंथि यानी ग्लैंड होता है, वही ये वैक्स बनाता है। वो इसलिए ताकि ये वैक्स आपके कानों में जो छोटे छोटे बाल हैं वो धूल या किसी भी बाहरी चीज को कान के अंदर घुसने से पहले ही जकड़ ले। अब जिन लोगों के कान में ये कम बनता है यानी ये वैक्स कम बनता है, उनको कान में खुजली, इन्फेक्शन, दर्द, इन सब चीजों की शिकायत रहती है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो खाने के ऊपर से नमक नहीं छिड़कता होगा, पके हुए खाने के ऊपर नमक कम लगा डाल लिया, पर ये नहीं करना है। अब आप पूछेंगे क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि बिना पका हुआ नमक न्योता देता है किडनी और दिल की बीमारियों को। साथ ही कच्चा नमक आपके नर्वस सिस्टम यानी आपके शरीर का जो पावर हाउस है, जो आपके शरीर की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, नमक उस पर असर करता है, साथ ही सर्कुलेशन पर भी। ये नमक आपका शरीर आसानी से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, नतीजा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर है कि जब आप खाना पका रहे हैं तभी उसमें अपने हिसाब से नमक डाल लीजिए, ताकि ऊपर से डालने की जरूरत ना पड़े। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।